नवाब साहब, चाय आपकी। हाँ, फीकी है वो, चीनी खत्म हो गई थी इसलिए फीकी ले आई। कोई बात नहीं, चीनी के कौन से फायदे हैं, नुकसान आते हैं। अप्पा मियाँ, आपने बुलाया मुझे। हाँ बेटा, आज का दिन तो बस बहुत मसरूफ गुजरा और परेशानी में ही गुजरा। खैरियत तो है ना? बैठो। हाँ, बज़ाहिर तो सब ठीक है, खैरियत है, लेकिन वाखरा के आने की खबर ने बेचैन सा कर दिया है मुझे। वो क्यों? अरे भाई, बहुत कुछ बदलना होगा, एहतमाम करना होगा उसकी आमद पर। ये तो है, और इस सब के लिए पैसे चाहिए, अच्छे खासे पैसे। आप परेशान ना हो अप्पा मियाँ, आखिर फाखरा अप्पा हमारी बहन है, कोई गैर थोड़ी है। अरे भाई, इतने बरसों बाद परदेश से आ रही है, उसकी मेहमानदारी, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। तो फिर क्या सोचा आपने? बेटा, सारा दिन इसी सोच की नजर तो किया है। पीतल और तांबे के कुछ भारी बर्तन रखे हैं जो बिल्कुल फालतू हैं, और कुछ लकड़ी का आरायशी सामान। नहीं नहीं, जो रखा है वो यूं ही रखा रहेगा। घर का सारा सामान फरोख्त करके और जग हसाई नहीं चाहते कि लोग कहें कि वकार अहमद सिर्फ नाम के नवाब रह गए। तो फिर ये सब कैसे होगा आपा मियाँ? हम आपा की मेहमानदारी कैसे करेंगे? हमारी जो दुकानें किराए पर उठी हुई हैं, हम उन किराएदारों से बात कर रहे हैं दोनों दुकानों के, और उन्हें ये भी कह दिया कि अगले 2-3 माह का किराया हमें एडवांस दे देंगे, वो दे देंगे। अगर अगले 2-3 माह तक ये मामूली किराया भी हमें ना मिला तो हम गुजर बसर कैसे करेंगे? सब कैसे चलेगा? कल की कल देखी जाएगी, भरम रखना भी तो अहम है ना, और हमें पूरा यकीन है कि हम उसमें कामयाब होंगे। सबसे पहले फाखरा के लिए कमरा तैयार करवाएं, और दुर्योधन से कह दीजिए कि वो ब्रोकेड के कपड़े निकाल ले पर्दे सिलवाने के लिए। आजकल ब्रोकेड का कपड़ा कहाँ चलता है पामिया? ये चाय तो चीनी के बगैर भी अच्छी है।